गाइस देख सकते हो चार्ली को गुस्सा आ रहा है। चार्ली अभी आमिर से हाँ वो घर की विंडी है ना। हेलो गाइस मैं निकिता बेरी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बेरी ब्लॉगर्स पे। तो आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज व्लॉग मैंने बहुत दिनों बाद बना रखा है क्योंकि मेरे फ़ोन पर नेटवर्क ही थे और नेट भी नहीं चल रहा था, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। एक व्लॉग मैं आज अपलोड करूँगी, पहले वाला हमारा सराज वाला व्लॉग था वो। और अभी इन्होंने ले लिया, सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। लोग इतने देर में उठते हैं ना, चालू भी कई देर में उठता है तो आधा मुझे झाड़ू बाहर साफ करने के बाद ही करना होता है। और इन्होंने ले ली है दुकान है यहाँ पे को घर की भिंडी, दिखाती हूँ आपको। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने करी है सुबह के 6 बजे से, 6 बजे या 6:30 हो गया, सॉरी 6:30 हो गए हैं। आज इतने सुबह आ गए थे अंकल लोग, क्योंकि इनसे सामान लेने के लिए सही होता है ना, मार्केट नहीं जाना पड़ता है, ये यहीं पे ला लेते हैं कुछ कुछ सामान। और एक जो दूसरे बुढ़े से अंकल थे वो लाए थे ये सब्जी। मैंने सोचा है मुझे क्यों बुला रहे हैं दुकान पे, मुझे अच्छी लगी सब्जी। अब आज के नाश्ते में मैं यही बनाऊंगी। वाओ घर की भिंडी है ना। यहाँ मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था और मौसम ठीक ही हुआ है, बारिश के छींटे आए थे बस अभी। है जी घर की भिंडी। घर की भिंडी में क्या मजा आ जाएगा। अभी एक अंकल आए थे लेने, आप देख लेना, मैंने अभी एक छोटी सी क्लिप ले रखी है। और आजकल मैंने मिनी व्लॉग्स भी बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अपडेट्स देने पड़ते हैं ना। व्लॉग के लिए मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, सॉरी दोस्तों, पता नहीं नेटवर्क में क्या हो रहा था। कल भी मैं बताती हूँ, मैंने अपना मिनी व्लॉग डाल दिया था, आधे घंटे पे चले जाता है व्लॉग। मिनी व्लॉग मैंने डाला था 8:15 बजे, वो इतने लेट गया ना। और परसों बीच में मैंने व्लॉग भी डाला था, मैंने सुबह वो भी 8 बजे डाल दिया था क्योंकि कभी कभी 1 घंटा लग जाता है ना, वो मेरा 12 बजे गया इतने लेट में, इसीलिए नेट ही नहीं चल रहा था मेरा। मैंने सोचा क्या करूं, एक तो हमारे पास वाईफाई भी नहीं है ना यहाँ, इसलिए। और ये देखो चार्ली का घर, अब तो अभी छोटा ही है, अभी उसका यही घर है, बाद में उसके लिए अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ जो पेट हाउस नहीं होता है वो लाने की, बाद में देखूंगी लाऊंगी। तो अब देखो इन लोगों की वजह से मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं कर रखा है यहाँ। चार्ली ऐसा बना देता है ना अंदर, क्या बोलूं। तो गाइज मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और मुझे अभी नहाना भी है, मेरे कपड़े हैं यहाँ पे, पहले पहनते हैं दूसरे वाले पहनूंगी शायद। फटाफट से मैं नहा भी लेती हूँ, पानी लगा लेती हूँ यार, मेरे को ठंडे पानी से बहुत डर लगती है। मैं जिंदगी में ठंडे पानी से नहाया ही नहीं है पता है, क्योंकि मेरे को कहीं डर लगती है, जबकि यहाँ हल्का सा गर्म भी आता है ठंडे पानी में, मेरे को बहुत डर लगती है पहले से। चार्ली इतना परेशान करता है ना रात को, अभी छोटा सा ही है ना वो, तो रात भर को करने में रहता है। परसों तो उसने हमारा जीना आराम ही कर दिया, हर एक एक घंटे पे को। इतनी बारिश आ रही थी बाहर और उसको बाहर घूमने का खेलने का मन हो रहा था, फिर उसको यहीं पे अंदर पे को खिलाया, उसके बाद भी वो 3 बजे सोया, फिर सुबह 6 बजे उठ गया, हम भी 3 बजे ही सोए फिर। और आज क्योंकि उसको टाइम टाइम पे अब खाना चाहिए होता है ना, अब उसके दांत आने लग गए हैं, वो रोटी भी खाने लग गया है, तो मैंने सोचा कि उसको रोटी वोटी देने की सोचती हूँ मैं, आजकल रोटी वोटी देती हूँ। इतना चालाक है ना वो, रात को जब सो जाता है फिर 3:30-4 बजे उठता है वो, और उसको पता है क्या चाहिए होता है, ये यहाँ पे सोता है वो, फिर वो यहाँ पे, इन्होंने डाल रखी है ऐसी आदत उसकी पता है, यहाँ पे को सुलाने की बेड में। मैंने इनसे कितना कहा, बस कल से नहीं सुला रखा है उसको, नहीं तो सुबह 4 बजे उसका अलार्म बज जाता है, हमें उठने की भी जरूरत नहीं होती है यहाँ पे सोने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसे आता है ना कैमरे में देख के, ये अपने घर में जाने के लिए कर रहा है।
ये गाइस देख सकते हो चार्ली अभी अपने कंधे में कैसे बैठा है इसके। देखो देखो इसको देखो कैसे देखा है मुझे, घूर घूर के देखा है। देखो 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 मुझे बुला रहा है। देखो 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 आजा मेरे पास आजा। आता है आजा फिर आजा आजा आजा। ओहो देखो खुश हो गया है मेरे से। आजा फिर आजा 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 आजा। गाइज मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया है शाम से, क्योंकि दिन पे मैं कहाँ थी, घर में थी ना। अरे मैं घर पे थी लेकिन मैं यहाँ बगल पे गई हुई थी। अभी मैंने ले ली है दही। आज मैं मट्ठे की सब्जी बना रही हूँ, मतलब दही की सब्जी बना रही हूँ। टुन्नू देखो तो यहाँ पे को दिन में मौसम ऐसा हो रहा था ना जैसे कि बारिश आ जाएगी, बट अब सही है। चार्ली को भी मैंने उठा लिया था, अभी इसको मैंने दे रखा है खाना क्योंकि बहुत हल्ला कर रहा था। ये है कद्दू की सब्जी बन रही है आज। आज मैं बना रही हूँ पतंजलि वाली दही की सब्जी। इसका दूध भी इतना अच्छा था ना, 10 वाला था, लेकिन इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें रखे रखे ये जमी। तो गाइज अभी मैं चार्ली को घुमाने गई थी क्योंकि कुकू कुकू कर रहा था, कुकू भी नहीं कर रहा था, मेरे को ऐसे ही मन हो गया उसको घुमाने का। फिर मैं ऊपर पे को दीपादी लोगों के यहाँ पे चले गई, बड़ी दीदी की दीदी के वहाँ पे। उनके कुत्ते के साथ इतना अच्छा खेल रहा था ना ये, सैंडी के साथ इतना प्यार कर रहे थे, प्यार से खेल रहा था ना ये, वाह क्या बताऊं। पर मैं लेकिन उसके रोज रोज वहां ले जाऊंगी तो ना इसकी वहीं की आदत बन जाएगी, तो कभी कभी ले जाया करूंगी मैं। मैंने सुबह बनाई थी घर की वाली भिंडी, मैंने नहीं दिखाया शायद, मुझे याद नहीं रही। और अभी ये कद्दू काटती हूँ, उस टाइम से नहीं काट पाई हूँ। 7:08 हो गए हैं, आजकल तो जल्दी खा लेते हैं ना खाना, तो फटाफट से मैं सब्जी काटती हूँ। जा रही हूँ छत पे क्योंकि बड़ी दी का फोन आ रहा है, वो कपड़े उठाना भूल गई थी, वो गई है ऊपर दीपा दी के वहां, सबसे टॉप वाले छत में जाना पड़ेगा। तो उसी तो रात का व्यू देखो यहाँ से याना का। फाइनली गाइस मैंने कपड़े भी उठा लिए हैं, बारिश के छींटे आने लग गए हैं, पता नहीं आती है नहीं आती है, देख ले बारिश के छींटे आ रहे हैं। देखो महाराज सो गए हैं, फोन देखते ही उठ गए। रोटी बना लेती हूँ। देखो ये दूध गर्म हो रहा है, सब्जी गर्म हो रही है, खाना खाते ना इन्होंने वो कर दिया है दुकान बंद। अब 8:30 हो गए हैं और ये है सूखी सब्जी, मतलब तो मैंने सूखी वाली थोड़ा गाड़ी गाड़ी वाली निकाल रखी है। ये इसको देखो तो ये यहीं आ गया, ये देखो ये यहीं आ गया, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।